ध्यान रखना मेरे नौजवान साथियों, जब धांधु युद्ध को छोड़ करके भाग गए, इधर माहिल धांधु को भड़काते हैं कि अब तुम महोबे की फौज को त्याग करके दिल्ली पद सम्राट महाराज पृथ्वीराज से जाकर के मिलो, निश्चय पृथ्वीराज महाराज तुम्हारी मदद जरूर करेंगे और तुम्हारी शादी मछला के साथ करवा सकते हैं। आज धांधु माहिल के साथ दिल्ली में पहुंचते हैं और पृथ्वीराज की अधीनता स्वीकार करते हैं। महाराज पृथ्वीराज धांधु को स्वीकार करने के बाद में अपने सेनापति चोड़ा को कुछ फौज के साथ धांधु की मदद हेतु नैनागढ़ के लिए भेज देते हैं और दिल्ली के जवान एक विशेष शिविर में आकर के ठहर जाते हैं। ये संदेश दोस्तों जब महोबे वालों को मिला कि महाराज पृथ्वीराज की ओर धांधु मिल गए और दिल्ली की फौज भी यहां लड़ने के लिए आ गई, तो ताला सैयद ने कहा कि अब राघव मक्ष के लिए एक विशेष पत्र लिखो कि या तो शादी करें या युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। दोस्तों ये पत्र जब भेजा गया राघव मक्ष के राज्यसभा में, अब दोस्तों हालात युद्ध के किस तरह बदलते हैं, आ जाइए लोगों। अरे राजा बैठे हैं नैनागढ़ के, और भरमा भूत लगो है दरबार जोगा भोगा, और ब्रज नंदन बैठे तीनों राजकुमारी। हकीकत राघो राजा अरे लई भोइन में गांठी लगाए, चिट्ठी देखे ब्रज नंदन को ऐसे कहन लगे रिसलाई। राघो मक्ष अपने पुत्र ब्रज नंदन से बोले के बेटे सज बाबो पारन लावो, अरे रन को डंका देव बजवाए, कटक कटीलो नैनागढ़ को पहुंचो समर खेत में जाई। इधर दोस्तों नैनागढ़ के नरेश युद्ध क्षेत्र में भेज देते हैं अपने पुत्रों को। ये संदेश जिस समय महोबे वाले जवानों को मिला, वे भी अपने दल को लेकर रणभूमि में उतर आए। इधर ब्रजनंदन का भाई जोगा आगे बढ़ करके बोला, अरे खेंची सिरोही जोगा बोलो, अरे सुन ले महोबे के सरदार, कौन महोबियन मेरे योद्धा है तो बढ़ के आई कहे तलवार। आवाज सुनकर के उदल ने कहा, अरे उदल जय कही जोगा से सुन राघव के राजकुमारी, काल छरैया दिवला छैया तेरे पहुंचो आई अनारी। अरे जोगा भोगा
मारी गई उदल के उधर सवार और खाई मूरछा उदल गिर गए भोगाया कही रिसलाय और समर महुनिया तू घोड़ा पे तेरो काल गौनियराय और झपट के मल के सन्मुख आए भोगे जाय दई ललकार और आओ सावने बहनोई के सेखी तेरी दे भुलाय और मेरी तेरी रन में बरनी क्यों उदल के जातंगार और गीदड़ भव की देश सिंह तो क्या मत काट दई करतार देता
गई है गर्दन में अंगुल पांच शमानी धारी। अरे कट के शीर्षक रो धरती पे जीत को डंका दो है बजाई। ए फौजे भज गई नैना गढ़ को मर दो ध्यान तो पिछर ना जाए। नंदन पूजलनी हायरण थे तब मारे हैं राठौर ब्रज नंदन पूजलनी हायरण थे तब मारे ही। याद रहे दोस्तों, जिस समय अपने पुत्र ब्रज नंदन की मौत का समाचार महाराज राघव मक्ष को मिला, पुत्र की विरह वेदना में महाराज बेचैन हो गए और माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर स्तुति करके जब देवी दुर्गा को प्रसन्न करके युद्ध क्षेत्र के लिए देवी का दल जब सजने लगा है, राघव मक्ष को सांत्वना दुर्गा देती है कि तुम लौट के जाओ, अब मैं महोबे बालों से स्वयं युद्ध करूंगी। जब देवी का दल लड़ने के लिए चला है लोगों, अरे सजी भवानी जब रुद्रानी मुंडन माल गले में डाली और खबर खरगत रसूला हाथ ले मदिरा पान करो बिकराली। अरे जीभ लपा लप लपकन लागी लौ कंकाली क्रोध बढ़ाई और थर 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 पी हाली दो चल बे को हुक्म सुनाई। अरे दृष्टि मोहबियन की जब आओ उन्हें लीनी फौज सजाई खाई। अरे देख बिरालो दल देवी को सब दल भाजी उठो तो भय खाई। अकेले मलखान सिंह को ही होश रहा। अरे देवी दौड़ी अब मलखे से तेगा लो है वीर मलखानी। ए सुलभ भवानी दो मलखे की उर अंगुल भर गौ समाई।
गई है, चले ली है हमारे प्राण। मलखान की बात सुनकर के मां दुर्गा बोली, अरे धीरज देखी देवी बोली साबस तोरे शेर मलखान, सिंह कनक देनी तू जायो तो सम सूर नजर दरम्यान। मां दुर्गा बोली, बेटा मैं तेरी वीरता पर मुग्ध हूं, तू वरदान मान। तो मलखान ने कहा कि मां अगर ये बात है तो सिर्फ एक वरदान चाहिए। क्या? अरे जो तू रीझी है सेवक ते तो मेरी कर दे अखे कुर्बानी, वज्र दे ही मेरी कर दे धर दे हाथ शीश पे आई। देवी ने मलखान को वरदान देते हुए कहा कि बेटा सुन ले पुत्र कनक दे प्यारी। अरे जूती पहने तिन पर मां को इतनी कीनी है चूक महानी, दरबा तेरो कच्चो रह गो सो ले ली है किसी दिन प्राणी। सकई देवी गई है सिधारी। यारो इतनी कहने ना देवी मंदिर को रम गई है, राठौर इतनी कहने ना देवी मंदिर को रम गई है। ध्यान रखना मेरे नौजवान साथियों, जब देवी वापस लौट गई उधर महाराज राघव मक्ष ने विशेष मुसीबत में डूब करके जो देवराज इंद्र की तपस्या करके अमर ढोल प्राप्त किया था, इस अमर ढोल की तासीर थी कि इसके बजते ही बजते सारे क्षत्रिय कायर से बन जाते थे। इस अमर ढोल की मदद से महोबे वाले जवान युद्ध क्षेत्र को छोड़ करके भाग गए, आल्हा को कैद कर लिया और जिस समय नैनागढ़ में ले जाकर के राघव मक्ष पहुंचे हैं, उधर ताला सैयद उदल को इशारा देते हैं कि बेटे अब तुम काबली खान बनकर के अपना घोड़ा और आला वाला करली आवाज लेकर के राजा राघव मक्ष के यहाँ जाओ और आला को निकाल करके लाओ। जब उदल दोनों घोड़ों को लेकर के राघव मक्ष की सभा में पहुंचे हैं दोस्तों, अरे झुकिया दाब करी उदलनी और घोड़न को उठे नचाई, देखे कि मोहित राघो हुई गए बोले बाह काबुली खान, मोल बताबो इन घोड़न को तो करवाई ले पहचान। अरे उदल बोले सब सुंदर है तुम सुम भौरी छेड़ा कहलावत ही बदलत कदम कदम पर शाल शाल
बात करते हैं, लेकिन राघव मचनाई समझ सके के उदल है। साल होत्रियों को बुलवाकर घोड़ों की पहचान कराई, चढ़ने वाले जब आए हैं, अरे साल होत्रियन के सुंदर दे पहुंचे चढ़न चढ़ैया जवान, और फेंक दुलत्ती हिन हिन करके भोरन तुरत उठाए पान। जवान आला मेरे यहां कैद है, तो राघव आज काबुली खान से बोलते हैं, अरे इतनी सुनते ही राघव राजे गई सुद मंडली की आए, और ठहरो ठहरो गई उधर से तो वीरन को हुकुम सुनाए, जल्दी कैदी महुवे वालों मेरी नजर गुजारो आए। बक्शी में से आला को निकाल करके राज्यसभा के अंदर लाए, आला ने जिस समय अपने छोटे भाई उदल को काबली खान के रूप में देखा, तो समझ गए कि अब बंद छूटने का वक्त आ गया। दोस्तों उठे धरन से मारी।
स्वयं सवार होकर इसके जोहर दिखाओ। अरे जैसी आज्ञा कहते दुल पे उदल कूद भये अस्मार, दोनों घोड़ा नाचन लागे रह गौ देख सकल दरबार। आला उदल तुम्हारे रहे ससुर